लर्नेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने टाइमली मांगा कि हमें कानून पर दिया जाए समय पास करने के लिए। लर्नेड सेशन जज एडिशनल सेशन जज ने कहा कि शाम तक आपको जो कहना है कह दें, आज जो है ऑर्डर हम करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें, मास्टर कार्तिकेय जो बिहार सरकार में मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल उनका मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है और उस मामले को लेकर आज उनके वकील जनार्दन राय जो है वो दानापुर जो व्यवहार न्यायालय है वहाँ पर पहुँचे थे। वकील का कहना है कि जिस वक्त जो घटना में उनकी संलिप्तता की बात की जा रही है तो वो न पटना से लेकर बिहटा तक वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से जो गवाही हुई है और उस गवाही के मुताबिक जो बातें कही जा रही है उसके मुताबिक मास्टर कार्तिकेय यहाँ पर थे ही नहीं, लेकिन जो समय है वो मांगा गया है। जो सरकारी वकील है उसके तरफ से यह कहा गया है कि जितनी जो बहस हुई है उस बहस पर फिलहाल जो है समय दिया जाए और वकील को जो है जो सरकारी वकील हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज ने शाम तक का समय दिया है, शाम तक जो है वो इंतज़ार करें। लेकिन बात करें मास्टर कार्तिकेय की तो मास्टर कार्तिकेय ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी, हमारी नेता की छवि धूमिल हो रही थी, हमारी छवि धूमिल हो रही थी, इस वजह से हमने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ कहा है डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जिस वकील ने अपनी तमाम बातों को रखा, उसके बाद जब वकील बाहर निकले तो क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए उनके बयान। ऑनरेबल हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बिल रिजेक्ट था पहले 2015 में, इसके बाद से यहाँ पर सेकेंड एंटीसिपेटरी बिल कैसे फाइल, इसी को क्लेरिफाई करने के लिए, क्योंकि चार जजों का जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट का, राजस्थान हाई कोर्ट का 3 जज का जजमेंट, पटना हाई कोर्ट का 1 जज का जजमेंट, उन्हीं जजमेंट पर रिलाई करके ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि सेकेंड एंटीसिपेटरी बेल कैन बी फाइल बिफोर द सेशन जज। इसके बाद इसी को कंफ्यूज करके कि हमारे पर कोई एविडेंस चेंज सिचुएशन, अगर चेंज सिचुएशन हो गया तो सेकेंड एंटीसिपेटरी बेल कैन बी फाइल। इसमें इस केस में जिस समय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था उस समय ये मैटर नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में आया कि कार्तिक सिंह घटना के दिन नहीं लगाए, घटना स्थल पर बेटा से लेकर पटना तक कहीं भी प्रेजेंट नहीं थे। उनके 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 मोबाइल से, उनके गवाहों के बयान से ये क्लियर हुआ कि ही वाज नॉट देयर। इसीलिए आए जजमेंट के बाद लर्नेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने टाइमली मांगा कि हमें कानून पर दिया जाए समय पास करने के लिए। लर्नेड सेशन जज एडिशनल सेशन जज ने कहा कि शाम तक आपको जो कहना है कह दें, आज जो है ऑर्डर हम करेंगे, ऑर्डर रिजर्व। अच्छा, ऑर्डर रिजर्व आज ही आएगा, जो आज ही 4 बजे, कितने बजे? 4:30 तक, 4:30 कोर्ट को आवर है। क्या कार्तिक सिंह भी पेश होंगे, पेशी को लेकर कुछ है क्या यहाँ पे? आएंगे कार्तिक सिंह भी? मैं ऐसी कोई बात नहीं, कार्तिक सिंह भी सरसरी आ सकते हैं, नहीं कि आज आज एंटीसिपेटरी बेल में उसको आने की जरूरत है। अगर ऑर्डर हमको हुआ पक्ष में ठीक नहीं तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। चलिए।